बिना ऑयल बिना बटर के हम बनाने वाले मार्केट जैसे जीरा बिस्किट, वो भी बिना मैदे के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले मार्केट स्टाइल कुकीज़, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं फ्रेंड्स, और इसे आप घर पे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं। अक्सर जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं उसमें मैदा होता है, हम यहाँ पे घर पर बनाएंगे तो इसे हम आटे से बनाएंगे, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो इन जीरा बिस्किट बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है जीरा, जिसे कि हम लो फ्लेम पे भून लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हम इसे इतना भूनेंगे कि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। भूनने से जीरा का ऑयल रिलीज़ होता है और इसमें काफ़ी अच्छा अरोमा आता है। जीरे को हमें दरदरा से इस तरह से पीस लेना है, तो बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर हम इसे नहीं बनाएंगे, हल्का हल्का सा ही, ये टूटा टूटा सा रहेगा, दरदरा सा ही से हमें रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ एक बोल में हमने ले लिया है 2 चम्मच घी। तो घी आप मेल्टेड वाला ना लें, इस तरह से जो सेमी सॉलिड हो ना उस टाइप से घी आप यहाँ पे ले लें। ज़रूरत पड़े तो फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। और यहाँ हमने लिया है 1/4 कप पिसी हुई चीनी। इन दोनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप एक विस्कर की हेल्प से इसे बिल्कुल अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स करते जाएं, जिससे कि चीनी घी में बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसे हमने घी से बनाया है ना, तो ये जो कुकीज़ बनते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही परफेक्ट बनते हैं। और एक बार में ही ये परफेक्ट, जब पहली बार आप बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तभी ये परफेक्ट से बिल्कुल बन के तैयार होंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लिया है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमने ले लिया है 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा। तो आधा ही हमने इसमें यूज़ किया है और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून डाल लेते हैं बेकिंग पाउडर, इससे हमारे ये जो बिस्किट्स है ना वो अच्छी तरह से फूलेंगे। 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप डाल लेते हैं आटा। आटा से बहुत ही हेल्दी सा ये कुकीज़ बनके तैयार होता है। और अब हम इसे मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें दूध डाल के इसे अच्छा सा डो बना लें। तो यहाँ 1 से 2 चम्मच दूध हमने मिक्स करके इसके डो तैयार कर लिया है। इससे काफ़ी अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। थोड़ा थोड़ा हम मिश्रण इस तरह से हाथ में लेंगे और इस तरह से हम इसका अच्छा सा शेप दे देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये जीरा बिस्किट्स हमारे तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह से बाकी के भी बिस्किट्स को हम बना के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार बनाएंगे और इसे आप महीने भर तक के लिए खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब हमने यहाँ पे ले लिया है एक प्लेट, और प्लेट में हम ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। सारे बिस्किट्स को हम इसमें डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप थोड़े दूर दूर में ही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो बिस्किट्स होती है ना वो फूल करके थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हो जाती है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे जो जीरा हमने भून के रखा था उसे अब हम इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार सा होता है। फ्रेंड्स, इन जीरा बिस्किट्स को बेक करने के लिए हमने कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दिया था। तो 10 मिनट के लिए हमने इसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। तो पहले ही हमने इसे गरम करने के लिए रख दिया था, अब हम इन बिस्किट्स को इसमें बेक कर लेते हैं। तो ढक देंगे हम इसे, लो फ्लेम पे हम इसे पकने देते हैं। तो 15, 20 या तो फिर 25 मिनट इसे लग जाते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो बेकिंग टाइम है वो आपके कुकीज़ के साइज़ और थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छी तरह से ये बेक हो चुके हैं। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से वायर स्टैंड में हमने रख दिया था कि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। फ्रेंड्स, जब ये बनता है ना तब ऊपर से ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहता है, जब इस तरह से हम इसे रख देते हैं ठंडा हो जाता है, तो ये बिल्कुल मार्केट जैसे
लगने लगते हैं। ये देखिए अब ये ऊपर से बिल्कुल भी सॉफ़्ट नहीं है और बिल्कुल ये खस्ता से बन के तैयार हुए हैं। जैसे हम मार्केट में लेके आते हैं बिल्कुल वैसा ही ये बना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी तैयार हुआ है। तो जो भी हम मार्केट से लाते हैं वो अक्सर क्या होता है कि मैदे से होते हैं, तो हम यहाँ पे इसे आटे से बना रहे हैं बिना ओवन, बिना ऑयल और बिना बटर के हमने इसे तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जीरा बिस्किट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।